घुमक्कड़। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त हम लोग एक गौशाला में मौजूद हैं। गौशाला कहाँ की है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की थी गायों को लेकर के, गौवंशों को लेकर के, कि इनके भी रहने सहने के लिए सुव्यवस्थित तरीके से प्रबंध किया जाएगा, इनको गौशालाओं में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में जगह जगह गौशाला बने, उनकी क्या हकीकत है किसी से छिपी नहीं, बहुत सारे हृदय विदारक तस्वीरें भी सामने आई उन गौशालियों से, और तड़प तड़प कर मरते हुए हमें गौवंश भी दिखे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे गौशाला में लेकर आया हूँ, जब हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ विशेष है तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उस गौशाला की तस्वीरें आपको दिखाएं और उस गौशाला को जो यहाँ पे संचालित कर रहे हैं उनसे आपको मिलवाएं। हम लोग आज अंबेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज ब्लॉक के गांव में हैं। गांव का नाम है लालवनपुर और एक कभी किसी ज़माने में एक मंडी बनाई गई थी। इस तरफ से दिखाएं आप, ये देख रहे हैं आप, क्वार्टर तमाम बने हुए हैं और बीच में टिन शेड वगैरह रख करके कभी मंडी बनाया गया था और कभी मंडी यहाँ पे शुरू नहीं हो पाई। उसके बाद स्थानीय समाज सेवी हैं चुन्नीलाल, जो एक ट्रस्ट संचालित करते हैं, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे 3 साल या कुछ उसके उससे ज़्यादा कुछ हो गया होगा, 5 साल, 5 साल से यहाँ पे इन्होंने गौ पालन शुरू किया, सरकार की योजना आने के बाद के काफ़ी पहले से शुरू किया। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे इस गौशाला के बारे में और जानेंगे कि कितनी गायें यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले स्वागत है चुन्नी जी आपका। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। यहाँ लगभग 200, नियर अबाउट 200 गाय। जी, पहले एक बार आपके जो मैंने ट्रस्ट की बात की, पहले उसके बारे में बता दीजिए कि अपने बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि चुन्नीलाल जी कौन हैं और फिर उस ट्रस्ट के बारे में बताएं। जी, चुन्नीलाल समाज सेवी, चुन्नीलाल यादव नाम है अपना सर। अच्छा, लालमनपुर के ही रहने वाले हैं सर। लालमनपुर। जी। इसके पहले यहाँ सामूहिक विवाह कार्यक्रम, जैसा कि आप तो जानते होंगे सर, जी, सामूहिक विवाह कार्यक्रम और गरीबों में और आगजनी। कितने विवाह करा चुके हैं? लगभग ये सैकड़ों शादियां हो चुकी हैं। सैकड़ों शादियां। जी। तो कैसे कराते हैं? समाज के अनुदान से, सहयोग से? समाज के सहयोग से जो भी बनता है, लोग हेल्प करते हैं, हाथ बटाते हैं सर। जी। तो ये गौ पालन का, फिर जैसे समाज सेवा आप कर रहे थे, शादी वगैरह, तो उसमें काफी मसरूफियत व्यस्त रहे होंगे, तो फिर गौ पालन के लिए कहाँ से समय निकला? ऐसे भावना में बह गए, घायल बछड़े को देख करके भावना में आकर के उसको लेकर के आए यहीं पर। इंजर्ड था, काफी घायल था, चोटिल था 5 साल पहले। जी, वो उसको 41 दिन तक हमारे यहाँ रहा है वो यहीं पर। जी, उसके बाद 41 दिन के बाद उसकी डेथ हुई है। उसके बाद से बस भावनात्मक रूप से गौ सेवा के लिए लगाव बढ़ा है और तब से शुरू हुआ है। तब से शुरू। जी। तो शुरू के सालों में, जैसे पहले साल में बात करूं तो कितने यहाँ पे गौवंश थे? लगभग 50 की संख्या रही सर। 50 की संख्या। जी, और अभी 5 सालों में 200 की। जी 200 की संख्या। अच्छा, यहाँ पे काफी सारे गौवंश है जिनमें टैग लगा हुआ है, तो यहाँ पे सरकारी अनुदान वगैरह भी मिलता होगा? जी हाँ, कुछ हद तक मिल जाता है, काहे नहीं मिलता है। जी, ताकि इनके पालन भूसा और पशु आहार की व्यवस्था शासन से हो जाती है। 4 कर्मचारी भी हैं, सफाई कर्मी लोग भी हैं, वो भी हाथ बटाते हैं। अच्छा, 4 कर्मचारी आपके इस गौशाला में? जी, तो उनको भी पेमेंट वगैरह मिलता होगा सरकार? हाँ, शासन से मिलता है सर, सफाई कर्मी है। बाकी आपको? सर अपना तो सब ठीक है, सेवा अपना काम है, सेवा हमें तो ऐसे ही रिलीफ है, काफी आराम है। हाँ, पहले तो खुद ही करना था ना, 3 सालों तक तो जो भी था आप सबके सहयोग से ही, समाज के सहयोग से ही, लोगों के हेल्प से ही इसको संचालित किया जाता रहा है। अब 2 साल से 19 जनवरी 2019 को हमारे यहाँ पहली गाड़ी का भूसा आया समाज से। जी हाँ। अच्छा जी, तो योगी सरकार ने जैसे 2-3 साल से एक योजना चला के रखी है गौवंशों को संरक्षण देने की, तो आपकी इस मुहिम में वो योजना कितनी सकारात्मक साबित हुई? सही है, इसमें शासन का के बारे में या शासन के प्रति कौन सी टीका टिप्पणी की जा सकती है? शासन ने गोकशी रोक करके एक तरह से एक धार्मिक आध्यात्मिक काम किया है और उसमें सारे समाज को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और सबकी जिम्मेदारी है।
सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, इनकी रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है और सिर्फ शासन की ही नहीं। आप नज़र डाल के देखिए, आज के 3-4 साल पहले जब भी जोगी बाबा नहीं थे, इसके पहले नज़र डालिए, तो कोई भी शासन की बदौलत गौशाला नहीं चली है। गौशाला जब भी चली है समाज की बदौलत चली है। समाज के लोग हाथ बटाए हैं, समाज के लोग आगे आए हैं और गौ सेवा में और उसको बढ़ाए हैं। सरकार के अन्य सहयोग के अन्यत्र भी आपको कहीं से सहयोग प्राप्त? जी जी जी, समाज में लोग पुआल, भूसा, पालिश, वो राइस ब्रान है ना, तो ये सारी चीज़ों का हेल्प समाज से भी हद तक मिलता रहता है। जी, तो एक बार हम चाहेंगे थोड़ा सा आपके इस गौशाला को भी हम लोग देखते रहें और किस तरह से देखिए यहाँ पे चुन्नी जी आवाज़ लगा रहे थे। आपको बता दूं, आप आवाज़ लगा रहे थे तो गोवंश भागे भागे चले आ रहे थे, कहने खाने का टाइम हो गया। जी हाँ, आप लगा रहे थे तो गाय पहले टहलाते थे सर ना, वो 3 सालों में जब शासन से कुछ हेल्प नहीं मिलता था तो इन्हें टहला टहला के चरा के, जिसे चराना बोलते हैं, हरा चारा घुमा घुमा करके खिलाते थे, चराते थे खेतों में। वो जो सरकारी ज़मीनें हैं, जब वन है, जंगल है, ऐसे जो रही हैं परती वरती खेतों में, तो टहलाते थे। अच्छा, तो थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाएंगी ना अब। मैं देख रहा था वो भी आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे थे, तो एक बार फिर से उनको बुलाइए, एक बार फिर से वही आवाज़ निकालिए ताकि वो भी बताएं। अब खा रहे सब, आवा 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 आवा। अब देखिए किस तरह से चुन्नी जी की आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं। आवा आवा आवाज इस तरह से थोड़ा सा है, उन्हें बुलाने पर उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ मिलने वाला है, हम टहलने के लिए निकलने वाले हैं, दर्रा चौकर मिलने वाला है। ये आत्मीय प्रेम है, एक साथ जब मनुष्य और पशु का ऐसा आत्मीय संबंध बन गया है कि जब चुन्नी जी आवाज लगाते हैं आवा आवा, तो उनको लगता है कुछ खाने पीने के लिए मिला, वो भी प्रति उत्तर में अपनी आवाज निकाल रहे हैं। एक बार फिर से दोहराइए। जी जी, आवा 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 आवा। देखिए चारों तरफ जो यहाँ पे गौवंश है चौकन्ने हो गए कि आखिर चुन्नी जी आवाज लगा रहे हैं, कुछ तो खास है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे चुन्नी जी, जैसे यहाँ पे किस तरह से रख रखाव करते हैं आप गौवंशों का? रख रखाव इसी तरह से सर चल रहा है जैसे आप देख रहे हैं मौके पर, आप सब देख रहे हैं किस तरह से चल रहा है। फिलहाल पहले की अपेक्षा काफी सुधार ही होता जा रहा है, रोज रोज बदलाव होता ही जा रहा है, काफी करेक्शन हुआ यहाँ। तो यहाँ पे इतने सारे गौवंश कैसे आए? क्या शासन के द्वारा पकड़ के भेजे गए यहाँ पर, या फिर आप लेकर आए, या कैसे आए? कुछ कुछ शासन के द्वारा भी भेजे गए हैं, बाकी ऐसे भी तमाम रहे हैं जो लोग ला करके चोरी वोरी से छोड़ जाते हैं, जंगल है रात में छोड़ जाते हैं, तो भी टहलते हुए यहाँ पर आते हैं, तो अपना काम ही सेवा का है, तो अंदर उन्हें कर लेते हैं, उनमें कोई झिझक नहीं, कोई रोक टोक नहीं। बाहर तो गेट के बाहर आपने देखा। अगर ये संख्या और बढ़ गई तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? फिलहाल अभी इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इससे ज्यादा बहुत संख्या बढ़ाई जा सके। नियर अबाउट 200 की संख्या है हमारे यहाँ। 200 की संख्या। जी, जी जी। पीछे एक टिन शेड लगा करके भी कुछ बना हुआ है। हाँ, वो भूसा रखने के लिए बना है, एक उसमें नाद की व्यवस्था है, जो उधर देख रहे हैं वो खाने का इंतजाम है उसमें। खाने का इंतजाम है। जी, जी। अच्छा, अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ले रहा हूँ। जैसे आपने ये कहा कि कुछ लोग रात के अंधेरे में छोड़ जाते हैं, पहले ऐसा कहीं नहीं था, जिनके गौवंश चाहे वो बैल रहे हों, है ना, या जो छुट्टा सांड अब हम कह रहे हैं, पहले बैलों की शक्ल में होते थे, खेत की जुताई होती थी, कोई अपने पशुओं का जरा भी अहित नहीं होने देता था, तो उन लोगों से क्या कहेंगे? आखिर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं कि आज हमारे गौवंश ऐसे दर दर भटक रहे हैं? पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले जैसे घर में एक इंसान का ख्याल रखा जाता था, उसी तरह से गौवंशों का रखा जाता था। क्या अपील करेंगे समाज से? आजकल के समय में देखा जाए तो लोग अपने तक सिमटते जा रहे हैं, अपने तक सीमित होते जा रहे हैं, दूसरे के लिए या किसी जीव के लिए, इंसान इंसानों के हित के बारे में सोचना बंद कर रहा है, धीरे 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 उस तरफ से भटक गया, और अन्य जीवों की तो बात ही अलग है। तो थोड़ी सा बस हमारी यही अपील है कि एक दूसरे के प्रति सिंपैथी रखें, गाय के प्रति, गाय हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे धर्मशास्त्रों के हिसाब से काफ़ी पूजनीय है, इनकी महत्ता रही है, इनका बखान कोई भी धर्मशास्त्र, चाहे श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचरित मानस या पुराण वेद, बखान करते नहीं थकते सर। तो हमको भी मानना है, अगर हम हिंदू हैं तो हमारा धर्म अगर कहता है कि इनकी सेवा करना, तो हमें ऐसा करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो गाय पालते हैं, मुस्लिमों में भी बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत कुछ लोग व्यवसाय करते हैं, दूध वगैरह निकाल करके बेचते हैं, तो ये तो कई प्रकार से लाभदायक है। तमाम ऐसे मुसलमान भाई हैं हमारे जो आते हैं हमारे यहाँ से, गौओं को ले जाते भी हैं पालने के लिए, पालते भी हैं, गाँव के हैं, बगल के साहब हैं, वो गौ कथा वाचक हैं, पूरे देश में घूम घूम करके वो गायों को
ऊपर कथाएं वाचते हैं, बताते हैं लोगों सर धर, इनकी सेवा किसी धर्म तक सीमित नहीं है, बात समझाने सेवा आपने हिंदू धर्म की बात, बात कर दिया हम हिंदू हैं तो सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे सर, इस वजह से समझ रहे हैं ना, सबसे पहले तो बेस है हमारा, शुरुआत तो हम वहीं से करेंगे, उसके बाद और भी रिलीजन का स्वागत है, सम्मान करते हैं हम, रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ से जो ये गोबर निकलता है उसका क्या करते हैं, कौन से उपयोग में जी? अभी तो बस ऐसे ही कचरे के रूप में बाहर इकट्ठा होता जाता है, अभी जैविक खाद तैयार नहीं हो रहा है, ये कुछ शासन से हेल्प मिलने वाली है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, पेपर में आई थी ये खबर कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौशालाओं को, तो हो सकता है कुछ केंचुआ चुआ उपलब्ध शासन से हो, तो बर्मी कंपोस्ट का प्लानिंग है सर जी। अच्छा, और शासन से क्या आप सहयोग की अपेक्षा करते हैं ताकि बढ़िया तरीके से गौशालाएं जो हैं वो संचालित हो सके प्रदेश में? अब इसको भावनात्मक रूप से प्रशासन जुड़े, प्रशासन लगे, शासन की तरफ से गौ सेवा में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती, ये प्रशासनिक कमजोरी है जो स्तर पे क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, समाज में लोग भी इस तरफ अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं और प्रशासन भी उस तरह से उस भावना से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ रहा है। हाँ, गौ सेवा में नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी कोई अभाव नहीं। आपकी ये गौ सेवा देख करके, गायों के संरक्षण के प्रति जो आपका जुनून, उसको देख करके क्या कभी ऊपर से कोई संदेश आया कि बढ़िया काम कर रहे हैं? आता है समाज से लोग ऐसे ही, आप ही तो कितनी प्रशंसा कर रहे हैं सर, जो आते हैं यहाँ तो जो चीज है जो सबसे मैंने पूछा जैसे बाबा जी की तरफ से कुछ आया, बाबा जी की तरफ से बात करेंगे, तभी तक जिलाधिकारी महोदय यहाँ नहीं आए हैं, उसके अलावा एडीएम साहब, एडीएम की वाइफ आई थी सुरभि वर्मा, वो भी काफी इंटरेस्टेड है पशु सेवा में, और उनके साथ भी हम फोटो हमारी आई थी पेपर में साथ साथ, वहाँ एडीएम साहब की वाइफ थी और सुरभि वर्मा और अपना। अब एक छोटी सी बात आखिर में, आप बहुत सारे समाज सेवा के काम करते हैं, लड़कियों की शिक्षा के ऊपर काम करते हैं, उनका सिलाई कढ़ाई बुनाई तमाम तरीके की जो उनकी ज़रूरतें होती हैं उनके जीवन को आगे बढ़ाने में, विस्तार देने में, उन सारे कामों को आप करते हैं, तो समाज को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे या सहयोग की कौन सी ऐसी बात कहेंगे ताकि बढ़ चढ़ करके लोग आपके साथ जुड़ें और इस पवित्र काम को और आगे बढ़ाया जा सके? हमें चाहेंगे कि लोगों की जैसे एक दूसरे के प्रति सिंपैथी रखें, सहानुभूति रखें, ये चीज़ का अभाव होता जा रहा है जी, भावनात्मक रूप से एक दूसरे के प्रति सोचें, सिर्फ अपने तक ना सिमट जाएं, और ये देख रहे हैं कि आजकल के इस युग में अब समय थोड़ा सा बदलता जा रहा है, इतना बदलता जा रहा है कि लोग अपने तक, साउथ कल्चर जो दक्षिणी सभ्यता है हावी होती जा रही है हम पे, और जिसमें भारतीय सभ्यता का हनन होता जा रहा है, बच्चे सभ्यता तो पूरे देश में हावी जी जी जी, तो अब अपनी भारतीय संस्कृति का हनन है कहीं ना कहीं, अगर साउथ कल्चर यहाँ हावी होता है, साउथ कल्चर क्या, तो भारत का ही एक अंग है, दक्षिण दक्षिण भारत नहीं, साउथ का मतलब अमेरिकन कल्चर, हाँ साउथ का मतलब विदेशी, पश्चिमी उसको कहा जी, पश्चिमी कहा जाता, हमने सोच लिया है तो पूरा देश दक्षिण भारत से प्रेरित है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो ये है समाज सेवी चुन्नी लाल यादव जी, जिनसे हमने बातचीत किया, 5 सालों से ये गौशाला संचालित कर रहे हैं, यहाँ पे 200 के आसपास यहाँ पे गौवंश हैं, थोड़ी सी मन में टीस है कि शासन स्तर पे तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पे नहीं हो पाया है, साथ ही इन्होंने समाज से अपील की है कि एक दूसरे के प्रति जो भावना है वो अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना चाहिए, सिंपैथी रखनी चाहिए, तभी समाज का सृजन होगा, समाज का जुड़ाव होगा, और जब इन सब सारी चीज़ों का होना शुरू हो जाएगा तो निश्चित तौर पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, विस्तार लेंगी, आगे भविष्य में हम यहाँ भी आते रहेंगे, फिर आएंगे और यहाँ की चीज़ों को आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब तक हमने बहुत सारी गौशालाएँ देखी और वहाँ की हृदय विदारक तस्वीरें, एक बार मैं चाहूँगा कैमरे के पीछे शादाब हैं, एक बार फिर से घुमा के दिखा दें, देखिए क्या मगन मस्त होकर के यहाँ पे गौवंश है ना, इनके आओ आओ करके बुलाने पे चले आए और यहाँ पे जम करके चोकर भूसा और जो कुछ भी इनको खाने में दिया जाता है उसका आनंद ले रहे हैं, और निश्चित तौर पे ये सुखद और सफल तस्वीरें हैं मेरे हिसाब से। बाकी जिस भी अधिकारी को देखना है, जिस भी नेता को, जिस भी समाज सेवी को जो गौवंशों के संरक्षण की बात करते हैं, जो गौवंशों के लिए रात दिन कहते हैं कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं कि उनको सुरक्षित किया जा सके, संरक्षित किया जा सके, मुझे लगता है कि उनको यहाँ पे आकर के एक बार जमीनी सच्चाई देखनी चाहिए और चुन्नी लाल जैसे लोगों की सराहना करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए ताकि ये पूरी तन्मयता से जिस तरह से लगे हुए हैं ताउम्र लगे रहें गौ सेवा में और इनका ये जुनून ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चुन्नी जी, आपको भी धन्यवाद। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।